हाल ही में पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही थी सोशल मीडिया पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मुख्य वजह है कि वो अपना टी स्टॉल वेंडिंग जोर से बाहर लगा रही थी, और इसी को देखते हुए प्रशासन एक्शन में आ गया और उनको टी स्टॉल लगाने से बंद कर दिया। दुकान करें कहाँ बिजनेस करें, हमारे पास तो आइडिया होगा सर, आपको मेरे पास आइडिया है कि अपना डिप्टी कीजिए, जो आदेश मिलता है उसका अनुपालन करें, इससे अधिक हमारे पास नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पर आप पटना की ग्रेजुएट चाय वाली का टी स्टॉल देख सकते हैं, और पटना की ग्रेजुएट चाय वाली के जैसे सामने में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ और रश है। पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में ऐसे टी स्टॉल नहीं लगा सकती, क्योंकि ये वेंडिंग जोन से बाहर है। आपको अगर टी स्टॉल लगानी है तो आपको वेंडिंग जोन में जाकर लगाना। पुलिस वालों ने पूर्ण रूप से प्रियंका गुप्ता से कह दिया है कि आपको इसके लिए फाइन भरना होगा, और आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपने नई टी स्टॉल को पटना के बोरिंग रोड में बीकानेर शॉप के सामने लगाया है, जो कि एक पब्लिक प्लेस है। इसके लिए रास्ता बना हुआ है, हम कैसे बता दें आपको, हमको जो आदेश मिला हुआ हम कर रहे हैं। मतलब आपको ये आदेश नहीं मिला कि मतलब कहाँ फुटपाती दुकान ये सब लगे? जी नहीं सर, वेंडिंग जोन बना हुआ है। आप बात को घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे सर, हम पूछ रहे हैं बस आपसे। नहीं नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। हम बोले क्यों सर, हम बोले एक आदमी का वेंडिंग जोन बना हुआ है, वहाँ पे जाने में क्या दिक्कत है? इनका कहाँ पर मान लीजिए, वहीं तो हम पूछ रहे हैं। बोरिंग रोड का वेंडिंग जोन आगे बने हुए। अच्छा, ये कार पार्किंग है, कार पार्किंग में कार पार्किंग कार तो के सामने में कार पार्किंग से नहीं होगा। नहीं, ये रुकने भी है ना, सब कार पार्किंग नहीं, नहीं तो इनका स्टॉल तो सब नहीं, 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 नहीं लग सकता है वहाँ चलने के लिए। लेकिन इनको अगर लगाना होगा तो कहाँ जाएंगे? बोरिंग कहाँ पे है सर? वहाँ पे जगह बोरिंग रोड चढ़ा के आगे जाइए ना, बोरिंग रोड चढ़ा के आगे आगे है ना, वहाँ पर उसके लिए कार बनाएंगे अपना। ये